आज हम आपको गोला के बिगड़ी हुई हालात के बारे में दिखाने वाले हैं कि किस तरह से इसके हालात बिगड़े हुए हैं और किस तरह से और यहाँ के प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस पर कि इसका सुधार कैसे किया जाए। सब लोग लापरवाह बैठे हुए हैं, कोई फिक्र नहीं। रोज़ की रोज़ ट्रैफिक जाम होती है, चारों तरफ कचरे बिखरे हुए हैं। नहर में जहाँ अच्छे पानी बहने चाहिए वहाँ पर गटर के पानी बह रहे हैं और नहर सूखा हुआ है और कचरे वहाँ पर डाले जाते हैं। तो किस तरह से गोला की क्या स्थिति है मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, तो चलिए फिर देखते हैं। ये जो नज़ारा देख रहे हैं आप, गोला का नज़ारा है, अकोड़ी गोला इसको बोलते हैं। और ये जैसा आप देख रहे हैं, आज ये 10-15 साल ऐसा नहीं था। दोनों रोड के दोनों किनारे छोटे छोटे झोपड़ियाँ हुआ करती थी और ये सारा जगह खाली था जहाँ पर आप बिल्डिंगें देख रहे हैं। आज बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें यहाँ पर बन चुकी है और ढेर सारे घर बन चुके हैं और एक शहर का रूप लेता जा रहा है ये। लेकिन शहर में तब्दील होते हुए एक छोटे से बाज़ार को आप देख सकते हैं कि इसका एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत ही शर्मनाक है। ये आप जो देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत सारे कचरा है और ये कचरा जिस जगह पर है वो एक नहर है, ये बड़ी नहर है और इसमें हमेशा पानी बहा करता है। बट इस वक्त इसमें पानी नहीं है, सूखा हुआ है। बट ये जो पानी आप देख रहे हैं ये गटर का पानी है। ये नहर के दोनों किनारे जितने भी घर हैं और दुकानें हैं, सारे के दुकानों और घरों का पानी जो है वो बह के इसमें आता है और यहाँ पर जम कर देख सकते हैं आप, सारा पानी हरा हरा दिख रहा है। ये बिल्कुल गंदा पानी है और पानी के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कितना कचरा है यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं शहर में ट्रैफिक जाम है और यहाँ पर ट्रैफिक जाम रोज़ लगभग 1 से 2 बार होता ही होता है। और इतने ट्रैफिक जाम होने के बावजूद भी यहाँ का प्रशासन जो है बिल्कुल बेखबर है, अनजान है इस बातों से कि यहाँ पर रोज़ ट्रैफिक जाम होती है और कम से कम 1-2 बार तो रोज़ हो ही जाता है ट्रैफिक जाम। फिर भी यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं, यहाँ के ब्लॉक्स के पदाधिकारी हैं, यहाँ के मुखिया, सरपंच, जिलाधिकारी, जितने भी, किसी का भी ध्यान इस तरफ अभी तक नहीं गया है कि यहाँ पर रोज़ के रोज़ ट्रैफिक जाम होता है और लोगों को कितनी तकलीफ़ होती है, कितने बड़े प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम को हर दिन। फिर भी यहाँ पर कोई इसके बारे में अभी तक सोच नहीं रहा है कि इसका समाधान क्या हो और क्या किया जाए कि ट्रैफिक जाम ना हो। ये आप देख सकते हैं इतनी सारी ट्रैफिक हो जाती है कि ये आने जाने का, लोगों को पैदल आने जाने का रास्ता नहीं बचता है। इतने सारे मीन्स रिक्शा, बाइक्स संकीर्ण रास्तों पर भी घुसा कर रखते हैं और ट्रैफिक जहाँ के तहाँ सब गाड़ियाँ खड़ी रहती है और एक भी रास्ता नहीं बचता कि लोग पैदल जा सकें, मीन्स पैदल जाने का भी रास्ता नहीं रहता है। ये हालात है अभी अकोड़ी गोला के, काफ़ी बुरा हालात है। और सिर्फ यही नहीं, ट्रैफिक ही नहीं, यहाँ पर आसपास की जगहों पर काफ़ी सारे गंदगी, कचरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये नहर है, बिल्कुल सूखा हुआ है अभी, लेकिन इस नहर के अंदर मैंने आपको दिखाया, ये देखिए, ये पानी जो दिख रहा है वो गटर का पानी है, ये देखिए आप। और इस पानी के दोनों तरफ, इस नहर के दोनों तरफ ढेर सारे कचरों का ढेर जमा हुआ है। यहाँ का प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इन कचरों का क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा लोगों पे, लोगों के स्वास्थ्य पे, ये कोई सोच नहीं रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये कचरा है, ये कोई पौधा या कुछ झाड़ नहीं है पानी में, ये कचरा है। तो इस कचरे का क्या दुष्परिणाम होगा इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पानी आएगी तो सारा कचरा बह जाएगा, लेकिन जब तक पानी नहीं आता तब तक तो इस कचरों का बदबू लोगों को बर्दाश्त करना ही पड़ता है। आपने जो अभी गोला का दृश्य देखा, जो नज़ारा देखा, ये गोला आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर रोड के किनारे झोपड़ियाँ हुआ करती थी, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं हुआ करते थे। तो आज ये काफ़ी डेवलप हो गया है, लेकिन डेवलप होने के साथ साथ काफ़ी कुछ समस्याएँ बढ़ भी गई हैं और इसके हालात जो हैं बिगड़ते जा रहे हैं। भले ही बिल्डिंगें बढ़ती जा रही हैं और पता ही है आपको कि शहर जितना बड़ा होता जाता है उतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं लोगों को, लेकिन यहाँ पर रोड पे ना तो पुलिस ट्रैफिक है, ना तो प्रशासन ध्यान दे रही है इस गोला मार्केट के बारे में। हालांकि बहुत बड़ा मार्केट, बहुत बड़ा शहर नहीं है ये, एक छोटा सा एक कस्बा है जो एक सिटी बनता जा रहा है। फिर भी यहाँ पर काफ़ी सारे प्रॉब्लम है जो प्रशासन को, मुझे लगता है कि ध्यान देने चाहिए, लेकिन ध्यान दिया नहीं जा रहा है।